hello students i'm cs monica agrawal here i am going to taking your session for ca foundation indian contract act 1872 firstly we are going to discuss our unit number first in which we are going to cover various topics that is what is contract essential element essentials of valid contract types of contract what is proposal offer beta what is acceptance we will we will also cover it communication of offer and acceptance communication of performance and revocation of offer and acceptance each and every topic is very important please try to understand what I am saying सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे बेटा कि what is contract बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में बहुत ही स्पेसिफिक एक्ट है जिसने हर टर्म की अच्छे से आपको डेफिनेशन बताई गई है बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन टू सबसेक्शन एच के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दैट इज एन एग्रीमेंट इन बाय लॉ यानी कि दो काम होना ज़रूरी है किसी भी काम को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक तो एग्रीमेंट होना और एक इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना देखेंगे यही लिखा हुआ है क्या यस अब हमें यह समझना बहुत जरूरी हो गया है कि एग्रीमेंट का मतलब क्या है और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब क्या है अगर हम ये समझ पाएंगे तो हम ये भी समझ लेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है क्योंकि यही तो असेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बेटा बेटा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन टू सेक्शन ई में दी गई है क्या एवरी प्रोमिस कोई भी प्रोमिस या सेट ऑफ प्रोमिस जिसके अंदर क्या हो कंसिड्रेशन हो एक दूसरे के लिए उसे हम क्या बोलते हैं एग्रीमेंट बेटा समझने की कोशिश करेंगे देखिए प्रॉमिस अब हमें हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि मैम प्रॉमिस क्या होता है फिर तो प्रॉमिस की डेफिनेशन में फर्दर सेक्शन टू सेक्शन बी में बताइए वेन द परसन टू प्रपोजल इज़ मेड सिग्निफाई एसेंट एसेंट मतलब अप्रूवल अगर आपने किसी बंदे को प्रपोजल दिया और रिटर्न में उस बंदे ने आपको एसेंट यानी अप्रूवल दी द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड यानी कि आपका प्रपोजल क्या हो गया एक्सेप्ट हो गया जैसे ही कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है बेटा वो प्रॉमिस बन जाता है फॉर एग्जाम्पल ये हैं हमारे मिस्टर ए इन्होंने प्रपोज़ल दिया मिस्टर बी को यानी कि ऑफ़र दिया प्रपोजल दिया कि आप एक काम करो मेरी गाड़ी खरीद लो गाड़ी इनकी तरफ से बी को कंसीडरेशन होगा और बदले में बी क्या देगा मनी देगा फॉर एग्जांपल फाइव लैख रुपीज में तो यहाँ पे बी अगर हाँ कर देता है तो यहाँ पे क्या हो गई एक्सेप्टेंस जैसे ही ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों हो जाते हैं ये क्या बन जाती है बेटा प्रॉमिस और अभी हमने ऊपर पढ़ा था जैसे ही प्रॉमिस होती है सेट ऑफ प्रॉमिस होती है इससे क्या बोलते हैं हम एग्रीमेंट तो हम समझ चुके हैं एग्रीमेंट क्या होता है अब हम समझने की कोशिश करेंगे इन्फोर्सिबिलिटी इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या है जैसे हमें पता चल जाएगा इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या है हमें पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एग्रीमेंट टू बिकम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में हमारी लीगल ऑब्लीगेशन अराइज करने की इच्छा है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम लीगली बाइंड हो जाएंगे तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे एग्रीमेंट को हम इन्फोर्सेबल बाय लॉ कहते हैं मतलब अगर हमने एग्रीमेंट की बातों से कंप्लाई नहीं किया तो कोर्ट में घसीटा जा सकता है आपको यानी कि आपकी लीगल ऑब्लिकेशन है एग्रीमेंट की बातों को मानना जैसे ही एक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है बेटा वो क्या बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट यानी कि बोला जाए तो कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफर जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है यानी कि एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इन्होंने एग्जाम्पल दिया देखो मेरा एग्जाम्पल में पांच लाख था यहां पे दो लाख है बस इतना सा डिफरेंस है सेम एग्जाम्पल है कार वाला सेम एग्जाम्पल है तो ये अभी तक हमने देखा सबसे पहले जन्म होता है किसका बेटा सबसे पहले जन्म किसका होता है ऑफ़र का एक बंदे के दिमाग में आता है कि हाँ उसे ऑफ़र देना है ऑफ़र यानी कि बोले तो प्रपोजल एक ही बात है ऑफ़र देने के बाद दूसरे बंदे से ली जाती है एक्सेप्टेंस जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है वो बन जाता है एग्रीमेंट एग्रीमेंट को अगर हम इन्फोर्सेबल बाय लॉ करा दें तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट ये अब तक हमने देखा अब बात आती है एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक ही चीज़ है मैम या अलग अलग चीज़ें बेटा डिफरेंस तो दोनों में बिल्कुल है क्यों क्योंकि कॉन् एग्रीमेंट का मतलब तो प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस होता है यानी कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस विच इज प्रॉमिस और प्रॉमिस और प्रॉमिस का सेट हमारा एग्रीमेंट कहलाता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब उसके साथ आके कौन मिल जाता है लीगल इन्फोर्सिबिलिटी तो एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसे लीगली इन्फोर्सिबल होना क्या हो जाता है बेटा बहुत ही ज़रूरी है ठीक है अब हम आगे चलेंगे स्कोप बेटा एग्रीमेंट में हमारे दोनों तरीके के मुद्दे इंक्लूडेड होते हैं चाहे वो लीगल हो चाहे सोशल हो जबकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे केवल लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट ही आते हैं यानी कि कौन वाइडर एटम एग्रीमेंट इसका मतलब ये हुआ कि एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए तो एग्रीमेंट होना ही पड़ेगा बट एग्रीमेंट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता इट मे नोट सॉरी इट मे नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एग्रीमेंट में किसी भी तरीके का लीगल रिलेशनशिप नहीं होता लीगल ऑब्लीगेशन नहीं होता है जबकि कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लीगेशन मस्ट है नेचर ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट ये मैं आपको अभी बता चुकी हूं देखो बेटा अब हमारा बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दैट इज असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ये सारे फीचर्स अगर पूरे हो जाते हैं जैसे ये सारे फीचर्स कंप्लीट हो जाएंगे एक एग्रीमेंट क्या बन जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बेटा सबसे पहले तो एग्रीमेंट होना जरूरी है ये सेक्शन टेन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने हमें बताया है दूसरी बात फ्री कंसेंट होना जरूरी है बेटा फ्री कंसेंट क्या होती है अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज ये भी पढ़ेंगे लॉफुल कंसिडरेशन लीगल ऑब्जेक्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेय वर्ड ये सारे टॉपिक्स हमारे डिटेल में आने वाले हैं इसके अलावा और बातें भी हैं जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए होना ज़रूरी है लेकिन सेक्शन टेन में कवर नहीं है दैट इज़ कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की उनकी इंटेंशन होनी चाहिए लीगल फॉर्मलिटीज़ फुलफ़िल होनी चाहिए सर्टेन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट जिसका मीनिंग समझ में आए और कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं होना चाहिए पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए ये सारी बातें भी हैं जो असेंशियल है, लेकिन सेक्शन एट टेन में सेक्शन टेन में यही बातें ठीक है बेटा आगे देखेंगे इन टर्म्स ऑफ सेक्शन टेन ऑफ द एक्ट ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेये पॉइंट अगर किसी में हैं, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है एस पर सेक्शन टेन अब हम पढ़ रहे हैं इन्हें डिटेल में कि कौन कौन सी बातें हैं जो सेक्शन टेन ने तो नहीं बताई हमें लेकिन फिर भी हमें कंप्लाई करना क्या है बेटा नेसेसरी है तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जैसे टू पार्टीज बेटा कोई अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ अंट्रैक्ट इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पार्टीज वन पार्टी मेकिंग ऑफर अदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट अ कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड बाय नेचुरल पर्सनस अगेन कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होना चाहिए नेचुरल पर्सनस के बीच में एंड बाय अदर पर्सन हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस या तो नेचुरल पर्सनस के बीच में होगा या जिनकी लीगल एग्जिस्टेंस है फॉर एग्जाम्पल कंपनी इज़ ए नेचुरल पर्सन बट उसकी लीगल एग्जिस्टेंस है तो हम उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं इट इज़ नेसेसरी टू रिमेम्बर दैट आइडेंटिफाई द पार्टीज़ असर्टेनेबल असर्टेनेबल मतलब हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर्टेन है वो तभी हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मानेंगे ये तो हो गया हमारे टू पार्टीज़ वाला मैटर इसके अलावा पार्टीज़ मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन मतलब पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट किस लिए कर रही हैं लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इच्छा से कर रही हैं जैसे कि कई सोशल एग्रीमेंट होते हैं बेटा सोशल या डोमेस्टिक टाइप एग्रीमेंट होते हैं जो हमें किस लिए नहीं करते लीगली इन्फोर्सेबल करने के लिए नहीं करते हैं तो ऐसे एग्रीमेंट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं होते हैं वैलिड यानी कि एक्सेप्टेबल इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्रोमिस किया अपने फ्रेंड को कि फॉर एग्जाम्पल आपने अपने फ्रेंड को प्रोमिस किया किसी भी तरीके का और आपने वो प्रोमिस तोड़ दिया तो उस प्रामिस के लिए वो आपको कोर्ट में नहीं ले जाएगा क्योंकि आपने वो प्रोमिस लीगली इन्फोर्सेबल होने के लिए नहीं किया था तो अगर पार्टीज की इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की नहीं है तो उस केस में दैट इज नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अदर फॉर्मलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन द सर्टेन केसेस बेटा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कई सारी शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए कई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में ये स्पेसिफिक होती है बेटा वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट औरल भी हो सकते हैं रिटर्न भी हो सकते हैं लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट हमेशा राइटिंग में होना जरूरी होता है फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस अगर इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में नहीं है तो फिर वो वैलिड ही नहीं होता है तो इस केस में जैसे कुछ फॉर्मलिटीज़ किसी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो तो आपको वो भी फुलफिल करनी पड़ेगी फर्दर इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द लॉ सॉरी अंडर द लॉ विच इज इन फोर्स एट द टाइम इज असेंशियल फॉर इट टू बी वैलिड एग्जाम्पल इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा ऐसे ही मोरल प्रॉपर्टी के केस में रजिस्ट्रेशन के टाइम कई सारी फॉर्मलिटीज होती हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ती है अदरवाइज आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा अब बात आती है आपका कॉन्ट्रैक्ट की जो मीनिंग है कॉन्ट्रैक्ट करने का पर्पज़ है वो सर्टेन होना चाहिए एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन नॉट वैग्यू और इनडिफाइंड फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल काफ़ी पॉपुलर है ए एग्री टू सेल टू बी हंड्रेड टनस ऑफ ऑयल ए ने प्रॉमिस किया ए ने एग्री किया कि हाँ वो बी को हंड्रेड टन्स ऑफ ऑयल देगा लेकिन इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि कौन से टाइप का ऑयल देगा तो ये सर्टेन नहीं है ये कंफ्यूजिंग है कि ऑयल कौन सा देना है तो यहाँ पे ये क्या हो गया सर्टेन नहीं है अनसर्टेन हो गया कंफ्यूजिंग हो गया लेकिन बेटा एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है प्रीवियस स्लाइड में अभी मैंने आपको बताया ना जैसे कि लेकिन अगर क्या होता जो बी आप है न केवल एक ही ऑयल में डील कर रहे हो कोकोनट ऑयल उस केस में अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो तो फिर ये माना जाएगा कि जो आप प्रोड्यूस करते हो वही तो आप सप्लाई करोगे ये तब है जब आप वेरियस काइंड ऑफ ऑयल्स में डील कर रहे हो और आपको टाइप नहीं बताया गया तो आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा ऑयल प्रोवाइड करना है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका सर्टेन नहीं है इसलिए वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब उसकी टर्म्स क्या है सर्टेन है आगे देखेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट बेटा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है तभी वैलिड होता है जब उसे परफॉर्म किया जा सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपको बोला यानी कि ए ने बी को बोला कि मैं है ना मैजिक से खजाना ढूंढ दूंगा और इसके बदले में मुझे पैसे दे दो तो ये एग्रीमेंट इन्फोर्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है ये वैलिड नहीं है वॉइड है क्यों क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो पाए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हंड्रेड परसेंट वैलिड नहीं होगा क्यों क्योंकि ये इम्पॉसिबल टू डू है विच इज़ इम्पॉसिबल टू डू कैन नॉट बी परफॉर्म्ड अब बात कर रहे हैं हम अभी तक हमने वो पढ़े कि सेक्शन टेन के अलावा जो बातें थी जिसके कारण कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है वैलिड नहीं होगा अब बात आती है सेक्शन टेन में कौन सी बातें हैं जिनके कारण कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है अगर वो एलिमेंट किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा ये हम देखेंगे बेटा ध्यान से समझने की मेरे साथ कोशिश करेंगे क्या दिया गया है बेटा हमें यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी एग्रीमेंट के लिए क्या होना जरूरी है ऑफर और एक्सेप्टेंस क्योंकि तभी वो जाके क्या मिलेगा बेटा एग्रीमेंट बनेगा तो अब यहाँ पे हम कई और एक्स्ट्रा ये एग्रीमेंट क्या होता है ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अब एक्स्ट्रा हम जो पढ़ने वाले हैं उन चीज़ों पर हम फोकस देंगे आगे चल के फ्री कंसेंट बेटा एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए इसके अलावा पार्टीज़ के बीच में कौन सी कंसेंट होनी चाहिए फ्री कंसेंट मैम फ्री कंसेंट का क्या मतलब होता है बेटा वो हम समझेंगे फ्री कंसेंट से हमें दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है एक तो व्हेन टू परसन्स आर एग्री ऑन सेम थिंग इन द सेम सेंस अगर दो बंदे अपनी कंसेंट देते हैं दो या दो से ज़्यादा लोग अपनी कंसेंट देते हैं एग्री होते हैं यानी कि सेम थिंग पे इन द सेम सेंस दैट इज़ फ्री कंसेंट अगर दोनों बंदे अलग अलग बातें कह रहे होंगे तो इस केस में उनकी कंसेंट फ्री नहीं है यानी कि फ्री कंसेंट मतलब कि वो एक ही बात नहीं कह रहे हैं तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट उनका वॉइड होगा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इसका बहुत पॉपुलर केस है मेरे पास दो कार है एक कार ए वन और एक कारू जो मेरी कार वन है वो है वाइट कलर की और कार टू है वो है ब्लैक कलर की ठीक है बेटा अब क्या हुआ मैंने मेरे फ्रेंड से कॉन्ट्रैक्ट किया ऑफर दिया उसे कि मैं अपनी कार तुझे बेच दूंगी अब इस केस में मेरे फ्रेंड ने बोला कि हाँ मैं पक्का खरीदूंगा यहां वो खरीदना चाहता था ब्लैक मैं बेचना चाहती थी वाइट तो यहां पे अगर हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दैट इज नॉट फ्री कंसेंट क्यों क्योंकि हम दोनों एक बात पे एग्री नहीं है अलग अलग बातों पे एग्री हैं वो ब्लैक खरीदना चाहता है मैं व्हाइट बेचना चाहती हूँ तो इस केस में क्या हो गया फ्री कंसेंट नहीं है यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आगे चलेंगे बेटा दूसरी बात फ्री कंसेंट के लिए ज़रूरी है कॉन्सेंसस एट आइडम ये क्या है मैम पहले ये बताओ बेटा कॉन्सेंसस एट आइडम इस वर्ड का मतलब यही होता है एग्रींग बाय टू और मोर पार्टी ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस ठीक है बेटा आगे चलेंगे फर्दर सच कंसेंट मस्ट बी फ्री यानी कि आपकी जो कंसेंट है वो किसी भी तरीके के दबाव में नहीं होनी चाहिए फ्री होनी चाहिए यानी कि फ्री फ्रॉम कोर्जन अंडी इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरीप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक अब ये सब चीज़ें क्या हैं? ये बहुत डिटेल में हमारे आने वाली है बस अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ क्वारजन का मतलब आपसे है ना आपने किसी पार्टी को डरार धमका के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर और है ना दस लाख की प्रॉपर्टी आपने उससे एक लाख में अपने नाम करवा ली तो ये कॉन्ट्रैक्ट विदाउट फ्री कंसेंट है तो ये वैलिड नहीं होगा अगर किसी ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिस यूज़ करके किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया तो वो भी फ्री कंसेंट नहीं है फ़ॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ और आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन मेरी है मैंने तुम लोगों को बोला मैं तभी पढ़ाऊंगी जब तुम अपनी अपना टिफिन मेरे को दे दोगे अपना अपना लंच मुझे दे दोगे तभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी तो यहाँ पे बेटा क्या हो गया मैंने अपनी पोजिशन का मिस यूज़ किया और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया वॉइड हो गया सॉरी वैलिड नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा या नहीं होगा वो हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि वैलिड तो नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी कंसेंट फ्री नहीं है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाला सीन हो रहा है तुम्हारे साथ फ्रॉड बेटा आपको गलत सलत बड़ा चढ़ा के कोई इन्फॉर्मेशन बताई जिसके कारण तुम किसी के झांसे में आके कॉन्ट्रैक्ट कर गए तो यानी कि तुम्हारे साथ अगर फ्रॉड हुआ है तो भी तुम्हारी कंसेंट फ्री नहीं है क्योंकि तुम्हें तो कुछ और बताया गया जिसके कारण तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है बेटा अगर सामने वाली पार्टी को भी गलत ही पता है और उसने तुम्हें गलत बता दिया तो इसको बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड के अंदर और मिस रिप्रेजेंटेशन में ये डिफरेंस होता है फ्रॉड में सामने वाली पार्टी को तो सही पता है पर वो तुम्हें गलत बता रही है और मिस रिप्रेजेंटेशन में उसे गलत ही पता है और वो तुम्हें गलत ही बता रही है मिस्टेक के अंदर जनरली इंक्लूड होता है कि अगर दोनों पार्टी से गलती हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं होगा ठीक है बेटा अब एक चीज और ध्यान रखने की है जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो केसेज है ना जहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है फॉर एग्जाम्पल टेशन इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉयडेबल होता है मैम ये वॉयडेबल का क्या मतलब है बेटा ये भी हम पढ़ेंगे आगे चल के अभी मैं आपको केवल ये बता रही हूँ वॉयडेबल का मतलब है कि या तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करवाना या कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल यानी कि वॉइड करवाना ये किसके हाथ में है एग्रीव्ड पार्टी के हाथ में किसके हाथ में एग्रीव्ड मैम ये एग्रीव्ड पार्टी क्या होती है एग्रीव्ड पार्टी मतलब पीड़ित पार्टी जिसके साथ अन्याय हुआ है जिसको डराया धमकाया गया है जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उस बंदे के हाथ में है कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करवा ले या कैंसिल यानी कि वॉइड कराए अगर वो डरा धमका के भी कॉन्ट्रैक्ट करने में बोले ठीक है ना जो हो गया हो गया मुझे तो अगेंस्ट नहीं जाना तो फिर ठीक है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा ठीक है बेटा और जो ये लास्ट का जो हमारा टॉपिक है मिस्टेक मिस्टेक के, के केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता डायरेक्ट वॉइड हो जाता है क्योंकि दोनों पार्टीज के साथ मिस्टेक हुई होती है अब हम नेक्स्ट हमारे वैलिड uh, कॉन्ट्रैक्ट के फीचर पे आएंगे दैट इज़ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ बेटा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज इस टॉपिक में ये बताया गया है कि कौन कौन सी पार्टी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है तो बेटा सबसे पहले सेक्शन एलेवन के अंदर ये बताया गया और ये बताया गया है कि आपकी एज ऑफ मेजॉरिटी हो जानी चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यानी कि माइनर नहीं कर सकता माइनर क्या है इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट साउंड माइंड आपका होना बहुत जरूरी है यानी कि आप पागल नहीं होने चाहिए आपको किसी भी लॉ में डिसक्वालीफाइड नहीं किया गया हो फॉर एग्जाम्पल इंसॉलवेंट इंसॉल्वेंट बंदा क्या होता है डिसक्वालीफाइड होता है तो वो आप नहीं हो बेटा नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का जो हम देख रहे हैं दैट इज कंसिडरेशन मैंने तुम्हें बताया था कि कंसिडरेशन तुम्हारे डिटेल में आएगा देखो कंसिड्रेशन का मतलब होता है क्विड प्रो क्यू इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न यानी कि दो पार्टीज़ में दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर रही होती है उसे कंसिड्रेशन बोलते हैं जो पार्टी कुछ कर रही होती है उसे उसके उसके हाथ से तो दूसरी पार्टी को, को कोई ना कोई राइट right इंटरेस्ट या प्रॉफिट या बेनिफिट ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके लिए क्या बच जाता है फॉर बियरनेस डिट्रीमेंट लॉस मतलब उसके हाथ से कुछ जाता है और सामने वाली पार्टीज़ को मिल जाता है जब सामने वाली पार्टी कंसिडरेशन दे रही होती है तो सामने वाली पार्टी के से तो कंसिड्रेशन आपके यहाँ आ जाता है यानी कि आपको राइट मिलता है इंटरेस्ट मिलता है प्रॉफिट मिलता है या बेनिफिट मिलता है जो पार्टी कंसिडरेशन मूव कर रही होती है उससे क्या मिलता है फॉर बियरनेस डिट्रीमेंट लॉस यानी कि नुकसान उसे होता है लेकिन कंसिडरेशन जब बोथ साइड होता है तो ये न्यूट्रल इफेक्ट होता है किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं माना जाता दोनों की विन विन सिचुएशन होती है अब ये बात आता है कि कंसिडरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए लॉफुल यानी कि ऐसा कंसिडरेशन अलाउड नहीं है जो कि लॉ के अगेंस्ट है ठीक है जैसे कि अगर लॉ के अंदर कोई काम करना मना किया गया है जैसे अगर आप किसी बंदे के साथ फ्रॉड कर रहे हो या किसी पर्सन को इंजरी पहुंचा रहे हो या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचा रहे हो या ऐसा काम कर रहे हो जो इमोरल है या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है दंगे वंगे फैलाना किसी बंदे को किडनेप कर लेना उसकी प्रॉपर्टी को जला देना फ्रॉड करना ये सब काम अनलॉफुल माने जाते हैं और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं वॉइड होते हैं यानी कि उनका कोई भी लीगल इफ़ेक्ट नहीं होता है बेटा देखेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे असेंशियल्स हमने देख लिए हैं क्या इंटेंशन टू क्रिएट लीगल एग्रीमेंट लॉफुल कंसीडरेशन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट लीगल फॉर्मेलिटीज नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड ये हमारा रिमेनिंग है पॉसिबिलिटी ये भी हमारा रिमेनिंग है सर्टेनिटी हमारा हो चुका है लॉफुल ऑब्जेक्ट हो चुका है फ्री कंसेंट हो चुका है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो चुका है बेटा अभी जो हमारे ये दो पॉइंट बचे हैं ये हम आगे चल के पढ़ेंगे आपको फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिक्लेरेशन दे दूँ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी हमारा हो गया ना ट्रेजर वाला हाँ जो हमारा ट्रेजर वाला पॉइंट था वो हमारा हो चुका है कि जादू से खजाना ढूंढने वाला पॉइंट अब बात आती है नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को वर्ड डिक्लेयर नहीं किया गया है नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड वो वैलिड होते हैं और जिनको वॉइड डिक्लेयर कर दिया वो आप नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज आप किसी बंदे की मैरिज पे अंकुश नहीं लगा सकते मना नहीं कर सकते कि तू शादी नहीं कर सकता मैं तुझे तो दस खोखा दे रहा हूं इसके बदले में तुझे क्या करना है शादी नहीं करनी जिंदगी भर ये एक इंसान का जो मेजर हो चुका है उसका राइट है तो वो शादी करेगा ही ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप किसी के साथ करते हो तो वॉइड वो डिक्लेयर हो रखा है तो अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर हो रखा है तो वैलिड नहीं होता इसी तरीके से कई और भी कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारे वॉइड ट्रीट होते हैं अब बात आती है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनके अलग अलग बेसिस में हमने तीन तरीके से देखे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आई होप सबको समझ में आ रहा होगा किसी को कहीं पे कोई परेशानी नहीं है अगर कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं मैसेज कर सकते हैं वैलिडिटी ऑफ इन्फोर्सबिलिटी वैलिडिटी ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी इसका क्या मतलब होता है कि आपकी जो लीगल बाइंडिंग आपने करवाई है एग्रीमेंट कब बनाया बेटा कॉन्ट्रैक्ट जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है अगर वो इन्फोर्सबिलिटी की कोई वैलिडिटी ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है वॉइड हो जाता है अगर इन्फोर्सिबिलिटी वैलिड है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है अगर एग्रीव्ड पार्टी यानी कि पीड़ित के हाथ में है कि वो वैलिड करवाए या वॉइड करवाए इसे हम क्या बोलते हैं वॉइडेबल अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर प्रोहिबिटेड है बेटा ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल ही हो क्योंकि वर्ड तो कॉन्ट्रैक्ट कई रीजन से हो सकता है लेकिन इलीगल केवल लॉ के कारण ही होगा अगर लॉ के अंदर कोई काम करना मना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है इलीगल यानी कि हर इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होता है बट हर वॉइड इलीगल नहीं होता क्योंकि वॉइड होने के लिए तो बहुत सारी कंडीशन थी ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जो हमने देखी थी ये सारी कंडीशन में से एक भी कंडीशन ब्रेक हुई कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा वॉइड लेकिन अगर ये लॉफुल वाली कंडीशन ब्रेक हुई लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट तभी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा इलीगल समझ में आ गई होगी आई होप आपको बात अब देखेंगे फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं बेटा फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का हमारे यहाँ पे मीनिंग है बेटा जब कोई पार्टीज जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती है बाय वर्ड्स बाय वर्ड्स मीनिंग क्या होता है मैम या तो हम रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या हम ऑरली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन वर्ड्स उसमें इंक्लूडेड है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बाई कंडक्ट बाय कंडक्ट का मतलब है हम कोई वर्ड्स से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बस कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिससे पता चल गया आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है इसका बहुत पॉपुलर एग्जांपल है अगर आप बस में चढ़ रहे हो बस में बस आपने अटेंड करिए बस आपने बस में आप छ चुके हो तो इसका मतलब ये है कि आप टिकट लोगे ऐसा नहीं है कि मजे में छड़ गए मजे में उतर जाओगे आपको टिकट के पैसे देने ही पड़ेंगे ये एम्प्लॉड कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपने कुछ कहा नहीं लेकिन आपके बस में चढ़ना ही इस बात का सबूत है कि आप बस वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हो कि वो आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पर ड्रॉप करे और उसके बदले में आपसे पैसे ले क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं बेटा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय लॉ होते हैं यहाँ पे पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है लॉ आप पे कोई कॉन्ट्रैक्ट लगा देती है यानी कि आप किसी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आए हो लेकिन लॉ के कारण आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी का खोया हुआ पर्स मिल गया तो ये उस तक पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है और ये आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए दैट इज़ प्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आपने उस बंदे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है लेकिन फिर भी लॉ ने ये बात मेंशन करके आप पे एक कॉन्ट्रैक्ट राइज करवा दिया है ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं परफॉर्मेंस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पे दो मेनली तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें दोनों पार्टीज अपनी अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट कर चुकी है अपनी अपनी परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटेड यानी कि एग्जीक्यूट कर चुकी हैं अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी या दोनों पार्टी अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट नहीं कर पा रही हैं अभी तक तो उसे कॉन्ट्रैक्ट को अभी एग्जीक्यूटरी स्टेज पे माना जाएगा यानी कि परफॉर्म हो रहा है रुको यूनि कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों में से एक पार्टी ने परफॉर्मेंस कंप्लीट कर दी है लेटरल यानी दोनों पार्टीज ने परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं की सॉरी यूनि मतलब एक पार्टी ने परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं की और बायो मतलब दोनों पार्टी ने परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं की तो बाई एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट तो वो कॉन्ट्रैक्ट जब में दोनों की दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस ड्यू है और यूनि में एक पार्टी की परफॉर्मेंस ड्यू है और एग्जीक्यूटेड में दोनों की परफॉर्मेंस हो चुकी है आगे चलेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ अभी आपको बस एक बार ये देखना है सारा मतलब एक बार ब्रीफ में हमें देखना है मैंने तुम्हें बता दिया वैलिडिटी के अकॉर्डिंग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये अभी हम ये सब देख चुके हैं आपको एक बार बस ये देखना है रीड आउट करना है कि किस तरीके से मैं हाँ तो बेटा हम देख रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे कैसे हो सकता है बेटा वैलिड हो सकता है वॉइड हो सकता है और वॉयडेबल हो सकता है वैलिड का मतलब है दैट इज बाइंडिंग और इन्फोर्सेबल दैट इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना खत्म हो जाता है सीज टू भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड पहले तो वो बनाया तो हमने सोच तो हम ये रहे थे कि हम इन्फोर्सेबल बाय लॉ करेंगे लेकिन कोई कंडीशन हमारी ब्रेक हो गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया सीज टू भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ और वो हो गया हमारा वॉइड वैन इट सीज टू बी इन्फोर्सेबल जिस टाइम वो इन्फोर्सेबल नहीं हो पा रहा है लीगली फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए सॉरी मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट अ बुक विथ अ पब्लिशर आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाई इन एन एक्सीडेंट हेयर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि अब मिस्टर एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा वॉइड हो जाएगा क्योंकि ये इम्पॉसिबल टू डू है देखो बेटा एक चीज़ स्पेसिफाइड की गई है वेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल बट फॉर द पर्पज़ ऑफ़ आइडेंटिफाइाइंग इट इट हैज़ टू बी कॉल्ड वर्इड कॉन्ट्रैक्ट जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ तो है नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या नहीं केवल ये एग्रीमेंट ही हो गया लेकिन अपन को कैसे पता चलेगा कि पहले कॉन्ट्रैक्ट था बाद में वॉइड हो गया या फिर हमने बनाना तो सही था लेकिन एक दो पॉइंट मिसिंग हो गया इसलिए समझने के लिए हम आइडेंटिफाई करने के लिए उसे बोल देते हैं क्या वर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहा ठीक है अब बात आती है वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ये किसके ऑप्शन पे है वन और मोर पार्टीज देआर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर इज अ वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक पार्टी के हाथ में होगा दूसरी पार्टी के हाथ में नहीं होगा और ये जनरली कौन सी पार्टी होती है बेटा एग्रीव्ड पार्टी यानी कि पीड़ित पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है अब बात कर रहे हैं हम हमारे कौन से कॉन्ट्रैक्ट की इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की बेटा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं जो लॉ ने मना कर रखे हैं लॉ फॉर बीट्स टू बी मेड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको करना ही लॉ ने मना कर रखा है तो ऐसे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड यानी कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आर ऑलवेज वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट नेसेसरी इलीगल जो वॉइड एग्रीमेंट है वो इलीगल होने के कारण ही वॉइड हुए हैं जरूरी नहीं है पर हो भी सकते हैं लेकिन जितने भी लीगल एग्रीमेंट है वो सारे के सारे वॉइड हैं ही डिफरेंस दिया हुआ है वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में क्या दिया हुआ है देखो अवॉइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरीली इलीगल बट एवरी इलीगल एग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड वॉइड एग्रीमेंट जरूरी नहीं है फॉरबिडन बाय लॉ हो लेकिन इलीगल एग्रीमेंट फॉरबिडन अंडर लॉ होते ही होते हैं पार्टीज़ को पनिशमेंट क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी ये निश्चित नहीं है नॉट लायबल फॉर पनिशमेंट लेकिन इलीगल एग्रीमेंट आर लायबल फॉर पनिशमेंट क्योंकि इ है इलीगल काम करना अलाउड तोड़ना होता है वॉइड एग्रीमेंट हो गया तो बात ही खत्म कोई केस नहीं कर सकता तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी लेकिन इलीगल एग्रीमेंट में तो आपको सजा मिलेगी आपने इलीगल एग्रीमेंट किया है कोलेटरल एग्रीमेंट बेटा को एग्रीमेंट का मतलब होता है रिलेटेड अगर कोई एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट से रिलेटेड है तो ज़रूरी नहीं है वो वॉइड हो वो वैलिड भी हो सकता है लेकिन ऐसा कोलेटरल एग्रीमेंट जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है और उसे अलग नहीं किया जा सकता तो वो हमेशा वॉइड ही होगा वो खुद तो लीगल है बट वो इलीगल से अलग नहीं हो सकता तो उसे भी वॉइड ही मानेंगे अन कॉन्ट्रैक्ट अब बात आती है अन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ गुड इन सबस्टेंस बट बिकॉज ऑफ़ समेक्निकल डिफेक्ट कोई टेक्निकल डिफेक्ट रहने के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया वॉइड बन गया तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अन इनफोर्सेबल बोलते हैं जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को राइटिंग में होना जरूरी है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को के लिए केस फाइल करने के लिए टाइम लिमिटेशन होती है बार्ड बाय लिमिटेशन कि आप इतने सालों में केस फाइल कर सकते हो अगर आप उस लिमिट से बाहर निकल गए यानी कि कॉन्ट्रैक्ट या तो राइटिंग में था आपने राइटिंग में नहीं लिखा या लिमिटेशन पीरियड के बाद आपने केस फाइल किया दोनों ही केसेस में क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट अन इन्फोर्सेबल होगा यानी कि उस केस के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट के सारे फीचर्स सही हैं बस वो टेक्निकल डिफेक्ट के कारण मात खा गया कॉन्ट्रैक्ट तो अन इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है अब बात आती है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में आपने फॉर्मेट किया उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया था कैसे होते हैं ये बाय वर्ड्स बाय वर्ड्स राइटिंग में भी हो सकते हैं और ओरल भी हो सकते हैं एम्प्लाइड कैसे होते हैं बेटा मैंने आपको बताया था बाय कंडक्ट बाय कंडक्ट बोले तो बाय एक्शन ठीक है फिर उसके बाद बात आती है अपने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं विच इज एक बार ये रीड आउट कर लेंगे आप कुछ भी इसमें अलग बात नहीं है क्चुअल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो किसने क्रिएट किए हैं लॉ ने क्रिएट किए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स किसी को किसी का पर्स मिल जाता है मैंने आपको बताया था तो वो वैसे तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में आ गया बाय लॉ अब बात हो रही है हमारे ई e कॉन्ट्रैक्ट्स की ई e कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू किए जाते हैं ठीक है थीके? जैसे ईमेल्स वगैरह के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के थ्रू मोह सॉरी माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स ईडीआई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स अब बात आती है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बेटा मैं ये आपका फटाफट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको चार्ट में बता चुकी हूँ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसके अंदर दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम कंप्लीट कर लिया एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसमें एक पार्टी ने या दोनों पार्टी का, का काम होना पेंडिंग या फ्यूचर में होगा फ्यूचर में होना बाकी है अभी तो इसमें भी दो टाइप पड़े थे अपने बायोलेटरल और यूनिलेटरल बायो या यूनी मतलब दोनों में से किसी एक पार्टी ने तो काम कर दिया और एक पार्टी का बाकी है वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बायोलेटरल में बोथ पार्टीज का, का काम आउटस्टैंडिंग है दोनों का काम पेंडिंग पड़ा है तो उसे बोलेंगे बायोलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट थैंक यू सो मच हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा थैंक यू एम सी एस मोनिका अग्रवाल थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट